नमस्कार आदाब। आज हमारे साथ हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आन, आवाम की जान, बिग बॉस के घर की शान अर्शी खान, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइफ का स्पेशल शो लाइफ आफ्टर बिग बॉस। अर्शी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा अर्शी, बिग बॉस के घर में आप दो दो बार रहकर आ चुकी हैं और दर्शकों को आपकी अदाएं बहुत पसंद आती हैं, खास करके आपका जो तलफ्फुज है वो बहुत पसंद आता है लोगों को तो लोग आपको घर में देखना पसंद करते हैं, तो जो फैंस हैं आपके उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो 7-8 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी ताकि उनके जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएं इस वीडियो के जरिए। तो पहला सवाल ये है अर्शी आपसे कि दो चीजें जो आप बिग बॉस के घर में जाकर सबसे ज्यादा मिस करती थी। बाहर की चीजें, बाहर की चीजों में मैं अपना फोन बहुत ज्यादा मिस करती थी, डेफिनेटली मेरा फोन। एंड दूसरी चीज ये थी कि खाना, जो बाहर का जो खाना होता है, जो लजीज खाना होता है, वो जरूर मिस करती थी, क्योंकि बिग बॉस के अंदर हमको ज्यादा अच्छा, मतलब एक सिंपल तरीके का जो खाना होता है ना, दाल राइस, अभी तो कितनी अच्छा भेज देते हैं, मैं बोल देती थी कि भाजी भेज दो, मटर भेज दो, कुछ तो भेज दो, रो रो के बोलती थी कुछ तो भेज दो, तो भेज दिया करते थे। लेकिन जो बाहर का खाना है, डेफिनेटली मटन, चिकन और दलौटी कबाब, ये सब बहुत मिस करती थी। एंड फोन इसलिए मिस करती थी क्योंकि उसके अंदर बाहर की सोशल मीडिया की खबर दिखती रहती थी, घर वालों से बातचीत हो जाती थी, फ्रेंड्स से बातचीत हो जाती थी, तो वो ये दो चीजें मैं बहुत मिस करती थी। अच्छा, दो लिबर्टी ऐसी कौन सी है जो बिग बॉस के घर में जो लोग आते हैं उन्हें मिलती नहीं है, उन्हें मना होती है, सख्त मना है कि आप ये कर ही नहीं सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? हिंसा, सबसे पहले तो हाथ नहीं उठा सकते आप किसी के ऊपर, ये सबसे ज्यादा बड़ी चीज है वहां पर, अगर आपने हाथ उठा दिया तो आप चीजें निष्कासित हैं। दूसरी चीज ये है कि आप बाहर की बातें यहाँ पर घर के अंदर नहीं ला सकते, अगर आप लाते तो उसके ऊपर बहुत डांट पड़ती है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है, तो दो चीज की लिबर्टी नहीं है, एक तो आप किसी को मार नहीं सकते और दूसरा जो है बाहर की चीजें अंदर नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे आपने बोला हिंसा नहीं हो सकती, बट घर में बहुत ज्यादा फाइट हुई है इस सीजन में भी, पहले के भी सीजन में काफी फाइट्स हुई हैं, ऐसी कौन सी दो फाइट है जो आप अभी तक भूल नहीं पाई हैं? एक तो हमारी फाइट हुई थी सीजन 11 के अंदर, मैं, शिल्पा, प्रियांक, आकाश, पुनीत और रहीना, हम सबकी बहुत लंबी फाइट हुई थी जो सुबह तक चली थी, तो वो बहुत लंबी फाइट थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और दूसरी यस, वो जो सिद्धार्थ की और रश्मि देसाई की और आसान की फाइट हुई थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती, चाय फेंकने वाली फेंका था एक दूसरे पर, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉफी से बड़ा दर्द मिल गया चाय को इस समय, लेकिन हाँ वो। अच्छा अर्शी, दो ऐसे कंटेस्टेंट जो अगर आप कहीं अचानक, अभी आप मुंबई में कहीं जा रही हैं, एकदम से सामने आ गए, तो आप रास्ता बदलना चाहेंगी, नहीं मिलना भाई इन लोगों से? दो ऐसे कंटेस्टेंट, ऐसे तो कोई है नहीं, मैं तो रास्ता क्यों ना क्यों बदलूं उनकी वजह से, वो लोग अपना रास्ता बदले, मैं तो उसी रास्ते से अपने वट से जाऊंगी, बिल्कुल हक से जाऊंगी, ऐसा कोई है नहीं। वैसे अगर मुझे कोई ऐसा जो पसंद नहीं आएगा तो मैं तो गाड़ी में ही रहूंगी, तो उसको देख कर नजरअंदाजी कर दूंगी, रास्ता चेंज नहीं करने वाली मैं, उसी रास्ते से जाऊंगी, उसी रास्ते से जाऊंगी। तो कोई एक नाम तो होगा ना ऐसा कि आपको मन में कि हाँ अगर ये आएगा तो मैं रास्ता नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी ऐसी बिना देखे कोई है नहीं ऐसा, लेकिन क्यों इतना तवज्जो देना उस एक नाम को, जाने दो और यही अर्शी खान की अदा है जो लोगों को बहुत पसंद आती है अच्छा विकास गुप्ता जी, बिल्कुल। अच्छा अर्शी, विकास गुप्ता की ऐसी दो चीजें या कह लीजिए ऐसी हरकतें जो शो पर नहीं दिखाई गई और सलमान खान ने भी वीकेंड के बाद पे नजरअंदाज किया, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगी कि इसे नजरअंदाज? विकास गुप्ता के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी बिकॉज वो मेरे लिए अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और मैं उनके बारे में ना अच्छा कमेंट है ना बुरा कमेंट है, नो कमेंट फॉर विकास गुप्ता। ओके, चलिए कोई नहीं। अच्छा, दो ऐसी आदतें जो बिग बॉस में रहने की वजह से आपकी छूट गई हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भूल गई हैं उन आदतों को? दो ऐसी आदतें छूट गई है, ज्यादा देर तक सोना, क्योंकि वहां पर एक लिमिटेड आपको सोना पड़ता है, वो होता है, और
फोन को बार बार उठाकर देखते रहना, स्क्रॉल करते रहना, सोशल मीडिया चेक करना, ये मेरा छूट गया। नहीं, कंटेस्टेंट्स को ऐसी कौन सी दो सहूलियतें ऐसी मिलती हैं जो हमें नहीं पता है, मतलब एज अ ऑडियंस हमें नहीं मालूम है, बट आपको बताया जाता है कि ये चीजें नहीं करनी है वहां पे घर के अंदर? दो ऐसी चीजें क्या है? हाँ, आप जो वो कैमरा के जो हमारे ऐसे फ्रेम लगे रहते हैं ना, उसके अंदर आप झांक कर नहीं देख सकते, उससे आपको दूर ही रहना पड़ेगा। अगर आप झांक कर देखते हैं तो भी आपको वो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि आप ये सब नहीं करेंगे। सेकंड चीज, जब ब्लाइंड्स डाउन होते हैं तो आप ब्लाइंड्स को हटा के नहीं देख सकते। अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत गंदी वाली डांट पड़ने वाली है बिग बॉस से, तो ब्लाइंड से भी दूर रहना पड़ेगा, और वो जो मिरर टाइप के लगे रहते हैं उनसे भी आपको दूर रहना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें यार, बहुत नियम है उस घर के अंदर, बहुत नियम फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, बिग बॉस के घर से आने के बाद असल दुनिया में एडजस्ट करने में कितना टाइम लग जाता है? मैं तो दूसरे दिन ही रात के अंदर ख्वाब देखा और चिल्ला के उठी, और उसके अंदर चिल्लाने में मैं बोल रही हूँ अली राहुल जाओ तुम लोग, और मैं चिल्ला रही हूँ, अपने घर को ऐसे करके देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये किसका घर है, ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये है किसका घर, मैं ऐसे सामान देख रही हूँ पैक रखा हुआ है, ये सामान किसका पैक है और मैं हूँ कहाँ पर। थोड़ी देर के बाद मेरा माइंड सेट होता है, आफ्टर 2-3 मिनट मैं मिरर में अपने आप को देखती हूँ, मेरे बेड के पास मिरर है, मैं देखती हूँ अच्छा मेरा इविक्शन हो गया है बिग बॉस के बाहर। माइंड सेट होने में बहुत टाइम लगता है। कल भी मैं जब सो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा माइक साइड में है, पैरों पास में है, और मैं सो रही हूँ और बिग बॉस के घर में सो रही हूँ, अब सुबह होगी गाना बजेगा और फिर उठा, वो माइंड सेट होने में बहुत टाइम लगता है। अच्छी, लास्ट में अपने फैंस को आप क्या बोलना चाहेंगी, और प्लीज पूरा उर्दू चाहिए क्योंकि आपकी उर्दू सुनने के लिए ना लोग बेताब रहते हैं। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने बिग बॉस सीजन 14 के बाद जो मुझे इज्जत अफजाई दी, जितनी प्यार दिया, जितने अच्छी तरीके से आपने इज्जत मुझे दी है, तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके पीछे कोई तकब्बुर नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।